जैसे मैं अपने फ़ोन के अंदर मल्टी विंडो का यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो ये लिखा आता है योर फ़ोन इज़ टू हॉट लेट्स इट्स कूल बिफोर, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम करेंगे तो बिफोर यूजिंग मल्टी विंडो अगेन, ठीक है। तो ये एरर लिखा आता है, तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर से ये लिखा आ रहा है, ठीक है। और दिक्कत क्या है, कैसे आपको फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को, तो ध्यान से समझिए, बहुत सारी जानकारी आपको नई इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है योर फ़ोन इज़ टू हॉट की, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप हेवी यूज़ कर चुके हैं या फिर नहीं भी किया है। होता क्या है कि जैसे समर का टाइम होता है, जैसे समर स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा फ़ोन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर फ़ोन हम यूज़ करें ना करें तो भी बढ़ जाता है, करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मली अगर ना भी करें, अगर हम नॉर्मल यूज़ करें तो भी हमारा टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया रीज़न, क्या ये क्यों होता है। अब सॉल्यूशन के ऊपर आए तो सिंपल सी बात यही है कि आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, यानी कि फ़ोन को बंद करना है। 2 से 5 मिनट तक अपने फ़ोन को पूरी तरह से बंद करना है। उससे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर दीजिए, इससे कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन बंद हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने बैकग्राउंड से कर दिया है। अब आप अपने फ़ोन का पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए, एक तो आप अपने फ़ोन को जो है पावर ऑफ करके रख दीजिए, या फिर अगर फ़ोन में आपका आपको कुल मिलाकर फ़ोन को बंद करके 5 मिनट तक रख देना है, यूज़ नहीं करना है, ठीक है, यही लिखा आता है। या फिर अगर आपको हॉट इश्यू आ रही, मतलब आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये करना है, बहुत आराम से आपकी जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगी और नॉर्मल आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और चार्ज पर लगाकर आपको इंटरनेट का यूज़ नहीं करना, या फिर फ़ोन को चार्ज पर लगाकर यूज़ कभी भी नहीं करना एज अ समर में, तो कम से कम आपको ये चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी पड़ेगी।